अस्थमा आज के समय में बहुत ही ज़्यादा भयानक बीमारी बनती जा रही है। इसका कोई भी इलाज नहीं हो रहा है। आपको इस वीडियो देखने के बाद पता लग जाएगा कि जितने भी आज तक आपने इलाज लिए हैं, चाहे वो एलोपैथी ले रहे हो, चाहे आप इन्हेलर ले रहे हो, चाहे एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले रहे हो, चाहे आयुर्वेदा ले रहे हो, चाहे होम्योपैथी की कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, वो पूरी की पूरी आप रॉन्ग ट्रीटमेंट ले रहे हो अस्थमा के लिए। जब तक आप इस बीमारी को जानेंगे नहीं, ये बीमारी होती क्यों है और इसके लिए आंख बंद करके दवाई खाते रहेंगे, कभी भी आप ठीक नहीं हो पाएंगे। इस बीमारी को जानना आपको पड़ेगा कि इस बीमारी में ऐसा क्या होता है और दवाई ऐसा क्या काम करती है जिससे आपको आराम तो मिलता है, चाहे आप कोई भी लेते हो, पर आप कभी भी ठीक नहीं होते। छोटा बच्चा अस्थमा के लिए इन्हेलर लेना शुरू करता है और वो अपनी पूरी उम्र इन्हेलर के ऊपर ही निकाल देता है। तो आज आप इस वीडियो को देखकर जान जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, बड़ों के साथ और बच्चों के साथ वो ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा इसको समझने के लिए कि अस्थमा के अंदर छाती में फेफड़ों में ऐसा क्या हो जाता है कि सांस चढ़ने लग जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब भी सांस लेते हैं, बाहर से हवा नाक से खींचते हैं, वो हवा ज़्यादा सूखी होती है, ड्राई होती है। उसको गीला करने के लिए जो हमारे फेफड़ों के अंदर और जिस पाइप से हवा फेफड़ों के अंदर जाती है दोनों में, तो वहाँ पे रास्ते में एक कवरिंग होती है सांस वाली नली के अंदर चिपकी हुई। उस कवरिंग, उस तह का काम होता है कि पानी छोड़ते रहना, जिसको हम म्यूकस भी बोल देते हैं। जब अस्थमा वाला आवाज़ लगाता है, जब उसको शांशा की आवाज़ या वीजिंग साउंड उसकी छाती में से निकलते हैं, वो इसी म्यूकस के होते हैं। जैसी हवा यहाँ से गुजरती है तो ये म्यूकस है जो नॉर्मली छोड़ा जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है छोड़ने का कि सांस वाली नली है, पानी छोड़ती रहती है ताकि हवा गीली होकर जाए फेफड़ों के अंदर, उसको कोई नुकसान ना हो। तो अब अस्थमा के अंदर क्या होता है, नॉर्मली ये छोड़ने वाला प्रोसेस है, जो ये कवरिंग है म्यूकस पानी को छोड़ती है, ये ज़्यादा छोड़ने लग जाती है। अब ज़्यादा छोड़ने की वजह से ये क्या हो जाता है, ये पूरी पूरी जो ये पाइप है ये फुल हो जाती है म्यूकस से, पूरी पूरी भर जाती है। अब हवा को अंदर जाने के लिए, फेफड़ों तक पहुंचने के लिए इस पाइप में से गुजरना होगा। अब बॉडी ने, शरीर ने इतना इसके अंदर पानी छोड़ दिया है कि ये पाइप है पूरी की पूरी फुल हो गई है सारी की सारी। अब क्या होगा, आप जैसे ही हवा अंदर खींचोगे तो यहाँ से पानी से टकराएगी, तब वो छाती से आवाज़ आना, वीजिंग साउंड है, रैटलिंग साउंड है, आने शुरू हो जाते हैं। तो अस्थमा के अंदर यही होता है मेन, कि ये म्यूकस है, इसके अंदर जो नॉर्मली है जो छोड़ा जाना चाहिए था बहुत ज़्यादा छोड़ा जाता है, इस पे ये पूरी पूरी जो पाइप है फुल हो जाती है। अब हवा फेफड़ों तक पहुँचेगी नहीं क्योंकि पाइप ब्लॉक हो गई है ये पूरी पूरी यहाँ पे, क्योंकि म्यूकस बहुत ज़्यादा आ गया है यहाँ पे, तो हवा नहीं पहुँचेगी फेफड़ों के अंदर, तो आपको एंजाइटी होगी, घबराहट होगी। तो ये सारा मैकेनिज्म है कि अस्थमा के अंदर होता क्या है। सारी थ्योरीज, सारी साइंस, सारा ट्रीटमेंट इसी के आसपास ही घूमता है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी तो आपको ठीक करना भी आसान हो जाएगा कि कैसे ठीक होना है। अब हम बात करेंगी कि ये जो म्यूकस है नॉर्मली इतना छोड़ती है, कवरिंग है वो इतना पूरा को छोड़ने लग जाती है कि म्यूकस रेशा पूरा यहाँ पे पाइप पे भर गया है, ये पाइप ब्लॉक ही होगी, अब हवा आगे नहीं जा सकती है। तो इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है स्ट्रेस, जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं। अब स्ट्रेस है वो दो तरह का होता है। सारे लोग समझते हैं कि स्ट्रेस है अकेला चिंता करने से होता है, जिसको हम साइकोलॉजिकल बोलते हैं, पर नहीं, एक फिजिकल स्ट्रेस भी होता है। साइकोलॉजिकल तो आपको सभी को पता ही है कि जैसे आपको चिंता में रहते हो, टेंशन में रहते हो, बहुत ज़्यादा वरी में हो, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है छोटी छोटी बात पे, तो ये तो है साइकोलॉजिकल। अब आ गया फिजिकल स्ट्रेस, कौन सा होता है। क्या फिजिकल स्ट्रेस होता है कि जैसे कई लोगों की आदत होती है दिन भर खाते रहने की, तो बॉडी इसको भी स्ट्रेस की तरह
लेती है, आपकी आदतें हैं जैसे बहुत ज़्यादा खाना खाने की, फैटी फूड खाने की, बाहर से तली हुई चीज़ें खाने की, जहाँ आपकी कोई नियम ही नहीं है खाने का, जैसे दिन में 3 बार खाना खाना चाहिए, आपने 9 बजे खाना खाया, फिर 10 बजे चाय पी ली, 11 बजे समोसे खा लिए, 12 बजे रसगुल्ले खा लिए, आप दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हो, तो बॉडी इन चीज़ों को फिजिकली स्ट्रेस के अंडर लेती है, और जैसा स्ट्रेस में बॉडी रिस्पॉन्स करती है वैसे ही ऐसे गलत खाने पीने वाली चीज़ों से रिस्पॉन्स देती है। अब स्ट्रेस से साइंटिफिकली अगर हम जाने इसका, ये एलर्जी से जो ये रेशा म्यूकस भरा है इससे क्या रिलेशन है, इसका ऐसा है कि जैसे ही हम स्ट्रेस में जाएंगे, चाहे फिजिकली है चाहे साइकोलॉजिकल है, तो बॉडी के एक अंदर सिस्टम है जिसको हम बोल देते हैं हम सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये कब एक्टिवेट होता है, ये एक्टिवेट होता है जब भी हम किसी से लड़ाई करने जाते हैं, जिसको हम SNS बोल देते हैं, सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो लड़ाई करने के दौरान है बॉडी को जो खून की ज़रूरत है वो बड़ी मांसपेशियों में होती है, तो सारी खून की सप्लाई है वो बॉडी बाजुओं और टांगों में ले आती है, छाती और हार्ट की तरफ से ब्लड खाली हो जाता है, तो सारा ब्लड है साइड में पहुंच जाता है। तो अगर हम साइकोलॉजिकल हैं, मान लो चिंता में हैं, और फिजिकली हैं खाना खा रहे हैं, तो बॉडी वैसे ही स्ट्रेस वाला अपने आप को रिस्पॉन्स देगी जैसा लड़ाई वाला है। तो यहाँ से सेंटर से सारा खून है बाहर वाले हिस्सों में पहुँच जाएगा, हार्ट रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, दिमाग के अंदर भी ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, तो फेफड़ों के आसपास भी ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, फेफड़े पूरा के पूरा फैल जाते हैं, ऑक्सीजनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं, तो ऐसे सारा सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाता है बार बार स्ट्रेस में रहने की वजह से, हार्ट रेट बढ़ने की वजह से, और दिमाग में ब्लड की सप्लाई उल्ट पुल्ट होने की वजह से सांस का दौरा है वो तेज हो जाता है। इसलिए आपने देखा भी होगा जैसे ही आप चिंता में जाओगे सांस का दौरा तेज हो जाता है, क्योंकि जब लड़ने जाते हैं तब भी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए शरीर फेफड़ों को जल्दी जल्दी हवा खींचने के लिए और हार्ट रेट को तेज कर देता है ताकि खून की सप्लाई ज़्यादा हो। तो स्ट्रेस की वजह से ऐसे जो अस्थमा है वो हो जाता है। दूसरा होता है कि स्ट्रेस की वजह से एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हार्मोन। ये हार्मोन का काम होता है बॉडी के अंदर किसी भी सोजिश को कम कर देना। तो अब अस्थमा के अंदर क्या होता है, यहाँ पे सोजिश होनी शुरू हो जाती है अंदर वाली कवरिंग में, जो म्यूकस बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने लग जाती है, इसको कम करना कॉर्टिसोल का काम है। तो स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल जो रसायन है वो बॉडी में बिल्कुल डैमेज हो जाता है, इसकी वजह से अस्थमा ठीक करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा आते हैं हम उसके बाद एलर्जी। एलर्जी का अस्थमा के साथ क्या रिलेशन है, कैसे ये काम करती है। एलर्जी है वो 3 तरह से होती है सभी को, खाने वाली चीज़ों से, इनहेलेंट है जो हम सूंघते हैं, जैसे कईयों को एलर्जी होती है खुशबू से, चाहे वो फूलों की खुशबू हो चाहे वो परफ्यूम की खुशबू हो, कईयों को एलर्जी होती है डस्ट से, कईयों को एलर्जी होती है पुराने कपड़ों से, कईयों को और ज़्यादा चाहे स्मेल होगी कोई भी उनसे भी एलर्जी होती है। तो ये हो गए इनहेलेंट से, और तीसरी एलर्जी होती है मेडिसिन से, जो आप अननेसेसरी दवाइयाँ खाते रहते हो, एंटीबायोटिक बिना काम की बच्चों को खिलाने लग जाते हैं, तो उनसे भी ये एलर्जी हो जाती है। तो फूड के अंदर जो ज़्यादातर एलर्जी होती है वो ब्रेड होगी, डबल रोटी होगी, बिस्कुट होगी, भुजिया होगी, जितने भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं मैदे से जो बनते हैं या जो 8 घंटे पुराने हो जाते हैं, वो ये ग्लैंड को ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं और वो रेशा पानी है म्यूकस है बहुत ज़्यादा छोड़ने लग जाती है। तो इनहेलेंट है, जैसे कि हम कोई ना कोई चीज़ सूंघते हैं, कईयों पर्संस के अंदर उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्स कर देती है किसी न किसी स्मेल को या डस्ट से, तो बहुत ज़्यादा म्यूकस छोड़ने लग जाती है, तो यहाँ पे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, ये पाइप ब्लॉक हो जाती है, तो हवा यहाँ से अंदर नहीं आती है, अगर आएगी भी तो उसको ज़ोर से खींचना पड़ेगा तो उसकी छाती में से आवाज़ आने लग जाएगी। तो एलर्जी की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसको एलर्जी की वजह से अस्थमा हो रहा है, उसके नाक के अंदर नेजल पॉल्प मिलेगा, तब नाक के अंदर मांस बड़ा हुआ उसके अंदर मिलेगा उस पर्सन के अंदर अगर हम उसको देखेंगे, तो सबसे बड़ी पहचान है एलर्जी की। तो उसके बाद आ जाता है इम्यूनिटी है, जो हमारी शरीर की शक्ति है जो बीमारियों को ठीक करती है, उसका इसके अंदर क्या रोल है।
इम्यूनिटी क्या होता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको हम एंटीबायोटिक मेडिसिन देने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों में, उसके थोड़ी सी भी खारिश हुई एंटीबायोटिक, थोड़ा सा ही बुखार हुआ एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक है, ये भी स्ट्रेस पैदा करता है, फिजिकल स्ट्रेस है। एंटीबायोटिक की वजह से जो बच्चों के अंदर बीमारी को ठीक करने की शक्ति होती है वो बिल्कुल डैमेज हो जाती है। यहाँ पे जो कवरिंग सूज गई है वो जो पानी छोड़कर ब्लॉक कर देती है पाइप को, उसको जो एंटीबायोटिक खाते रहते हैं बचपन से, हम जिन बच्चों को देते रहते हैं, ये इनको वापस अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि इस कवरिंग के अंदर अगर पावर है म्यूकस पानी इस पाइप में छोड़ने का, तो ये इसको अब्जॉर्ब भी करने की इसके अंदर पावर है, तो ये अब्जॉर्ब पानी को दोबारा सोखने की म्यूकस की जो पावर है एंटीबायोटिक वो बिल्कुल जीरो कर देते हैं। इसलिए जो बच्चे एंटीबायोटिक खाते रहते हैं उनको बाद में जाकर इनहेलर छूटते नहीं है। दूसरा है पुअर नॉलेज है, कईयों को जानकारी नहीं है कि इसके लिए मेडिसन्स क्या आती हैं, कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए, आयुर्वेदा होम्योपैथी या एलोपैथी। तो ये हम बाद में बात करेंगे कैसे गलत जानकारी होम्योपैथी मेडिसिन में जो इंटरनेट पे या आयुर्वेदा में है वो नुकसान करती है अस्थमा में। और तीसरा जो हम बात करेंगे वो है लिवर। लिवर का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लिवर का काम होता है जो भी इस पाइप में म्यूकस है पानी है जो ग्रंथियां छोड़ती हैं उसको वो दोबारा अब्जॉर्व करवाता है, दोबारा सोखने में मदद करता है। अगर किसी का भी लिवर बीमार हो, चाहे उसके अंदर फैटी लिवर हो गया हो, या लिवर का साइज बढ़ गया हो, या ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से लिवर की एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा कम हो गई हो, तो जो ये नॉर्मली ज़्यादा छोड़ने लगी है रेशा म्यूकस ये जो ग्लैंड है, तो उसको वो दोबारा रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो पानी यहीं पे यहीं पड़ा रह जाएगा, म्यूकस रास्ता बंद रहेगा और दमा ठीक नहीं होगा। तो इसको सोखने का सबसे बड़ा काम करता है लिवर, तो लिवर को ठीक करना ज़रूरी है। और दूसरा लिवर सबसे बड़ा क्या काम करता है, अगर लिवर हेल्थी है तो वो जो एलर्जी है इन सभी को ठीक करता है। 99% जो एलर्जी है वो लिवर ने ठीक करनी होती है। और दूसरा जो इन्फेक्शन है, चाहे वो खाने वाली चीज़ों से होगी हो, चाहे वो सूंघने वाली चीज़ों से बार बार एलर्जिक रिस्पॉन्स होता हो, उसको भी लिवर ने कंट्रोल करना होता है। और तीसरा जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी को भी लिवर बढ़ाता है। ये बी सेल्स और टी सेल्स दो तरह के सेल्स छोड़ता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, तो लिवर को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंटीबायोटिक खाओगे, गलत सलत मेडिसिन खाओगे, तो लिवर ठीक नहीं होगा आपका। तो अब हम बात करते हैं कैसे गलत इलाज है वो बच्चों को दमे का मरीज बना रहा है, और कैसे होम्योपैथिक है जो डॉक्टर हैं वो गलत सलत मेडिसिन बता के टॉप 10 मेडिसिन, टॉप 20 मेडिसिन, 5 दिन में अस्थमा ठीक करें, 2 दिन में ठीक करें, ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन से बच्चों को बीमार कर रहे हैं। तो अभी क्या है, इनहेलर हैं जो ऐसे हम ऑनलाइन मेडिसिन देखते हैं वो दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। वो क्या करते हैं, जो ये पाइप में रेशा ज़्यादा भर गया है, जो यहाँ के अंदर की कवरिंग छोड़ती है, जो हमने यहाँ पे देखा है, अब हवा का अंदर जाना मुश्किल है, यहाँ से अगर जाएगी भी तो छाती से आवाज़ आती है, क्योंकि इसमें वो पूरी फ्रिक्शन करके जाएगी तब आवाज़ आने लग जाती है छाती से। अब इनहेलर जो आप पंप लेते हैं बच्चे, और जो होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन खाते हैं बिना जानकारी के, या आयुर्वेदा की, वो ठीक क्यों नहीं होते हैं, अब आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि ये सारी ऐसी मेडिसिनें क्या करती हैं, जो सांस वाली नली है, अब यहाँ पे म्यूकस भरने की वजह से इतनी ये नली थी 3 चौड़ाई में, तो ये सारी की सारी भर गई है। अब इनहेलर और ऐसी गलत मेडिसिन लेने से क्या होता है कि ये जो नली है एक बार जो इतनी थी ये खुली हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, तो अब जो म्यूकस है वो यहाँ पे चला गया है। म्यूकस तो बंद, रेशा तो उतना ही भरा हुआ है, पर ये पाइप है अपने साइड में चौड़ा हो गई है, बीच में खाली जगह हो गई है यहाँ पे। अब जब भी इनहेलर लेते हो तो पेशेंट को साथ ही साथ आराम मिल जाता है। ऐसे ही होम्योपैथी की मेडिसिन आती हैं, 43 है ये मेडिसिन है, ABC 12 मेडिसिन, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, तो सारा काम यहाँ पे करती हैं। बीमारी वैसी की वैसी पड़ी है आपकी, बस ये पाइप खुली हो गई है तो हवा आसानी से फेफड़ों में चली जाती है।
अब आप सोच लीजिए, अगर आपके बच्चों को दमा है, ऐसी गलत सलत होम्योपैथी की रेडीमेड मेडिसिन आप खिला रहे हो, तो ठीक होगा या नहीं होगा? तो कभी भी ठीक नहीं होगा, वो पक्का दमे का मरीज बन जाएगा। क्योंकि बीमारी है जो जो रेशा ब्लॉक है, इसको वापस अब्जॉर्व करवाने से ही बीमारी ये ठीक होगी। और हमें स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसकी खाने पीने की आदतों को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन होगी या उसको ठीक करना पड़ेगा, एलर्जी की जांच करवानी पड़ेगी, उसकी क्या क्या एलर्जी है, उसको किन किन चीज़ों से है, इम्यूनिटी को बूस्ट करना पड़ेगा, उसके लीवर को ठीक करना पड़ेगा। मेन ट्रीटमेंट ये है, इसीलिए कोई भी दमे का मरीज आज तक ठीक नहीं हो पाया है, क्योंकि उसने आज तक जिसको वो इलाज होता है वो इलाज लिया ही नहीं है। वो सिर्फ जो बंद हो गई है पैप रेशे की वजह से, उसको वो मेडिसिन से ऐसे ओपन कर रहा है, बीमारी वैसे के वैसे पड़ रही है। इसीलिए बड़े होकर ये बीमारी ब्रोंकाइटिस और COPD में तब्दील हो जाती है। इसको ठीक करना चाहते हो तो आपको जो म्यूकस है उसको वापस भेजना होगा फेफड़ों से नॉर्मली। उसके लिए हमें लिवर को ठीक करना होगा, इम्यूनिटी बूस्ट करनी होगी, एलर्जी और स्ट्रेस, स्ट्रेस किसकी वजह से हो रहा है उसके लिए मेडिसिन खानी होगी, लिवर के लिए मेडिसिन खानी होगी, एलर्जी वाली जो हमारे अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं उनको ठीक करना होगा, तब हम जाकर अस्थमा को ठीक कर सकते हैं। गलत सलत मेडिसिन कभी भी बच्चों को ना खिलाएं, ना ही कभी आप खाएं, क्योंकि इससे आप परमानेंट दमे के मरीज बनने वाले हो। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को रेड बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है तो उसकी आप रिपोर्ट्स हैं, एक्सरे हैं, स्कैन हैं और उसके टेस्ट हैं मेरे पास भेजकर आप मेरे से सलाह ले सकते हो। और कमेंट जरूर करें वीडियो कैसे लगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।